हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास है ये एलपीजी का सिलेंडर और हमारे पास है एक छोटी पानी की बोतल, एक 2.5 लीटर वाली कोका कोला की बोतल और एक ये 20 लीटर वाली पानी की बोतल। दोस्तों, आज का फंडा थोड़ा सिंपल सा है। ये एलपीजी गैस को जैसे ही हम पानी या कोका कोला के अंदर मिलाते हैं और इनको फ्लिप करते हैं तो दोस्तों ये एक तरह की रॉकेट बन जाती है। दोस्तों, आज हम यही करेंगे, बारी बारी से सबको ट्राई करेंगे। पहले पानी के अंदर मिलाएंगे, फिर कोका कोला के अंदर मिलाएंगे और फिर ये बड़ी वाली पानी की बोतल के अंदर मिलाएंगे और इनको करेंगे फ्लिप। देखते हैं ये कितनी ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों, अपने पास जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है, इसमें से हम जैसे गैस निकालते हैं तो ये गैस फॉर्म में निकलती है, लेकिन आपको इसी गैस सिलेंडर को अपन फ्लिप करके और फिर गैस निकालते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास निकल जाती है। दोस्तों, अगर एलपीजी गैस सिलेंडर में सीधा करके हम गैस निकालते हैं तो ये गैस फॉर्म में निकलती है, लेकिन दोस्तों अगर इसी सिलेंडर को हम फ्लिप करके और फिर निकालें तो देखना दोस्तों, जैसे मैंने उल्टा कर दिया सिलेंडर को, अब इसके अगर मैं गैस निकालूंगा तो ये देखो लिक्विड फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो गई है। चलो दोस्तों, मैंने ले ली है ये इतनी सी लिक्विड गैस और सबसे पहले बारी है पानी की, तो हम सबसे पहले पानी में मिलाते हैं लिक्विड गैस। थोड़ा सा पानी में खाली कर लेता हूँ, इतना काफी है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलाता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, अब करता हूँ मैं इसको फ्लिप। 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब बारी है अपने कोका कोला की, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले और मैं इसको थोड़ी सी खाली कर लेता हूँ और कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मिलाते हैं इसके अंदर अपनी एलपीजी। ठीक है दोस्तों, अब मैं करता हूँ इसको फ्लिप। 1, 2 और 3। हो तेरी। ठीक है दोस्तों, अब बारी है इस बड़ी वाली बोतल की और इसके लिए हमने पूरी 1 लीटर एलपीजी गैस लिक्विड फॉर्म में निकाल ली है। चलो दोस्तों, अब करते हैं इसको मिक्स। ये वाला थोड़ा एक्साइटेड होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरी 1 लीटर एलपीजी गैस है और इसमें लगभग अपने पास है कम से कम 10 लीटर बस्तर से ऊपर पानी वाला है धमाका। ठीक है दोस्तों, अब करता हूँ इसको मैं फ्लिप। 1, 2, 3 एंड गो। How's it supposed to feel?